ये दोस्तों अगला वीडियो पे सबको ईद मुबारक, इसके बहुत बहुत दुआ सबके लिए। खुश रहो और हमेशा मस्त रहो। गुलाब जामुन बनाइए और खाइए। हम लोग तो होल से गुलाब जामुन बनाया, बहुत बेहतरीन आया हुआ है, सबके साथ बना हुआ है। आपका ईद मुबारक भाई हमारा तरफ से। जैसे कि दोस्तों ये बकरीद मुबारक सबको बधाई हो, बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद सबके लिए। ईद मुबारक, बकरीद की बहुत बहुत दुआएं सबके लिए। क्या मनाइए सबके साथ, सबके पास और सबके साथ मिलजुल के रहिए। तो मिलते हैं अगला। हाँ चलो অল্প অল্প করে तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो ये राइस खीर है और हमने ढेर सारा काजू और किशमिश और इसमें ढेर सारा कोकोनट डाला हुआ है। वो डाल के आप लोगों को दिखाया नहीं, इसके लिए सॉरी। तो जैसे कि देख सकते हो खीर कितना बढ़िया तरीके से बन रहा है। ये राइस खीर बना रहा है ईद स्पेशल स्टाफ के लिए। और इसमें जो ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम पिस्ता सब इसमें डाला हुआ है और ढेर सारा ग्रीन इलायची। तो आप लोग भी राइस खीर बना लीजिए। ये कम से कम 20 लीटर की टोप है दोस्तों, इसमें हमने 15 लीटर दूध डाला है और इसमें ज़्यादा सा भी पानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सा भी पानी नहीं है, 15 लीटर दूध की खीर है और इसमें 2 किलो चावल डाला हमने, ठीक है। तो आप साथ साथ आप लोगों को और भी दिखा देते हैं और क्या क्या बनाया ईद के लिए स्टाफ के लिए। ये तो जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, ये गुलाब जामुन बनाया हमने आज बहुत सारा, लगभग इसमें 200 पीस गुलाब जामुन है। और हमने बनाया 4 पैकेट का गुलाब जामुन बनाया, जो मीडियम साइज़ का पैकेट होता है दोस्तों, उसका 4 पैकेट गुलाब जामुन बनाया। तो क्या बताओ आप लोगों को, मेरे को पहले तो प्लान नहीं था वीडियो बनाने की, जिसके चलते मैंने पहले से स्टार्टिंग से वीडियो बनाया नहीं। तो बाद में सोचा कि हमने जो बनाया ईद के लिए, हम लोग ईद में स्टाफ को जो खिला रहा हूँ बना के, कम से कम इसका एक वीडियो ही बना लेता हूँ। क्योंकि आज शनिवार है, रविवार है, ऑर्डर में बिजी भी था, साथ साथ इसको भी बनाया तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला पाया। तो अभी जैसे कि मैं फ्री हो गई तो मैंने बोला सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि कैसे गुलाब जामुन बनाया हम लोग ने। आप देख के आप लोग को पता लगेगा कि गुलाब जामुन बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और ये हमारा शोरमा शेफ है, बहुत बेहतरीन शेफ है, बहुत अच्छा इंसान है। पहली बार मिला मेरे को यहाँ आके, तो अच्छा है, सबके साथ मस्ती में रहता है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमने बनाया गुलाब जामुन बहुत सारा, ठीक है। आज आपके लिए स्पेशल गुलाब जामुन है, तो आप लोग भी गुलाब जामुन बनाइए और खाइए। हम लोग तो होल से गुलाब जामुन बनाया, बहुत बेहतरीन आया हुआ है, सबके साथ बना हुआ है। तो
दोस्तों एक पीस गुलाब जामुन को हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें दो वैरायटीज है, एक लंबा दिखा देता हूँ और एक गोल वाला दिखाता हूँ। तो आइए आप लोग देखते इसको टेस्ट करते कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना नरम है, बहुत ही बेहतरीन नरम है। इतना गरम तो खा नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा काट के आप लोगों को देखता हूँ कि बहुत ही नरम है। अभी भी रस पीछा नहीं क्योंकि अभी भी बना हुआ है। और एक गुलाब जामुन खा के मेरा काका बताएगा कैसे लगा है। काका गुलाब जामुन खाओ, बताओ हमारे यूट्यूब के दोस्तों को, बताओ कैसे लगा आपको गुलाब जामुन। एक मास्क है भाई, लेकिन गरम है। लेकिन गरम है, खाने के बारे में ठंडा होगा तो बहुत नरम बना हुआ है, बहुत ही नरम है। इसको रियलिटी है इसमें। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हो गुलाब जामुन कितना बढ़िया है, ये लंबा लंबा बनाया है इसको। तो आप लोग भी लंबा भी बना सकते हो और राउंड वाला गोल भी बना सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो खीर बनकर तैयार हो गया, बहुत बेहतरीन खीर बना हुआ है। ये आज हमने बनाया चावल का खीर, यानी कि बासमती राइस का खीर बनाया। इसमें दूध भी है और चावल भी है, दूध का ही बनता है खीर। तो मेरे एक नेपाली शेफ है, तंदूर वाला शेफ, कह रहा है कि चावल का नहीं है, दूध का खीर है। तो हमने बताया कि चावल का खीर ही है, साथ साथ दूध भी है। दूध के बिना खीर कैसे बनेगा। वो डाला है चावल मार के तो जैसे कि देख सकते हो हमारा काका ने खीर उठा के देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा करके मेरा गांव वाला लोग है, सभी मेरे अपने लोग हैं। तो जैसे कि देख सकते हो खीर बनकर तैयार हो चुका है, एक नंबर खीर है भाई। बहुत बेहतरीन कलर आया दूध का खीर, आप देख सकते हो का बहुत मस्त कलर आया। फ्राई करके डाला हम लोग घी से। और क्या डाला आपने? और डाला खीर ना इलायची डाला। और क्या है खीर में? नारियल। तो खीर बनकर तैयार हो चुका है, बहुत बेहतरीन बना हुआ चावल खीर, जैसे कि राइस के बासमती राइस का। इसमें हमने काजू चुने के, काजू बादाम पिस्ता और ये 15 किलो दूध और 2 किलो चावल का खीर बनाने के लिए हमने इसमें 4 कोकोनट ग्रेट करके इस्तेमाल किया है। और कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन बन चुका है। तो आप सब भी इसी तरह बनाइए। शुरुआत से मैंने वीडियो बनाया नहीं, इसके लिए हमें खेद है। अगला अभी नेक्स्ट टाइम कभी इस बकरीद में हम इतना साथ के लिए खीर या गुलाब जामुन जो भी बनाएंगे पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग देख के समझ जा गए होंगे कि इसमें क्या क्या है नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो पे। खीर ये हमारे बकरीद है और बकरीद के लिए आप लोगों को बहुत सारा दुआएं, सब मिलजुल के रहे, आगे बढ़े, अपने अपना फैमिली का ध्यान रखें और अपना अपना अपना। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो ये जो बड़ा बड़ा थैला है, इसमें हम लोग पैक कर लिया खाना को। अब इसको घर पे जाके खाएंगे। और सामने देख सकते हो ये मेरा प्यारा सा काका है, इन्होंने बहुत मेहनत किया, सारे काम इन्होंने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बनकर तैयार हो गया। चलो तो जैसे कि देख सकते हो इसमें हमने खाना को पैक कर दिया सबके लिए।
यानी कि हमारा जो लगभग 40 स्टाफ है, तो 40 स्टाफ के लिए खाना देख सकते हैं। ये जो बड़ा बड़ा डब्बा है, ये सब बड़ा बड़ा डब्बा है, ऐसा डब्बा में सब गुलाब जामुन भरा हुआ है, इसमें बूंदी डाला हुआ है, सब कुछ है, बूंदी है, गुलाब जामुन है, सब डब्बे में ऐसा भर के रखा हुआ है। तो दूसरा जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है खीर भी भर लिया है हम लोग ने, ये भी वो एक बॉल में भर लिया, सब इसमें भर के रख लिया है। साथ साथ जो लोची बनाया हम लोग ने, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो बन के तैयार हो चुका है हमारा खाना बना। और ये जैसे कि देख सकते हो बूंदी है, बूंदी तो बूंदी भी बन चुका है स्टाफ के लिए। हर जितना रूम है, हर रूम का अलग अलग खाना पैक बन के जा रहा है, तो एक रूम के लिए इतना बूंदी है। तो अब तक सुबह से तो कितना सारा बूंदी है हमारे पास, देख सकते हैं। खीर है, खीर भी पैक होकर जा रहा है इस तरह। देखते हैं दोस्तों अगला वीडियो पे, सबको ईद मुबारक, ईद के बहुत बहुत दुआएं, सबके लिए खुश रहो और हमेशा मस्त रहो।